कराना प्रेम से भोग लगाना। उसको कर्मा भाई बेचारी ढोली थी, क्या जानती भगवान को स्नान कराना क्या भोग लगाना। आज बड़े सुंदर भाव से दो दिन हुए चार दिन हुए बेचारी लोटा पानी का रख देती, थोड़ा सा भोग रख देती, पर्दा लगा देती, लेकिन जैसा भोग था ऐसे उसको हटा लेती। और जब 5-6-7 दिन हो गए, सोचा कि अब तो भगवान काफी दिन से कुछ खाया नहीं, स्नान भी नहीं किया, और पिताजी आएंगे भगवान से देखेंगे, अगर भगवान ने कह दिया कि इसने तो मुझे स्नान ही नहीं कराया तो मेरी पिटाई होगी। प्रभु शायद मुझे पता नहीं पिताजी कैसे आपको स्नान कराते थे, आज मैं आपको कुएं पर ले चलती हूँ। तो आज टोकरी में रखा और कुएं पर लेकर के आज रस्सी डाल करके उस टोकरी में, और आज भगवान को कुएं के अंदर लटका दिया। प्रभु जब आप स्नान कर लो ना तो आवाज लगा देना। अब तो भगवान बड़े प्रेम से स्नान कर रहे हैं। अब जब ब्रह्मा जी को सर्दी लगने लगी, अरे प्रभु ये जो कर्माबाई है, ये भक्तनी बड़ी भोली है, उसने पहले ही कह दिया है कि आवाज लगा देना जब स्नान कर लो। तब नीचे से आवाज आ रही है, अरे बेटा हमने स्नान कर लिया, हमें बाहर निकालो। जी प्रभु अभी बाहर निकालती है। आज बड़े सुंदर भाव से बाहर निकाला और आज भगवान को वस्त्र पहना करके पुणे मंदिर में स्थापित कर दिया। और जब पुणे मंदिर में स्थापित कर दिया, अब भोग रखा, लेकिन जैसे भोग रखती तो भोग वैसे के वैसा ही रहता है। ताकि ओहो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैया यशोदा की जब छड़ी पड़ती थी तो आगे आगे कभी दूध पीते थे, कभी माखन खाते थे। तो आज भाव से छड़ी लेकर के बैठ गई, फिर पर्दा लगाया, लेकिन फिर भोग ऐसे के ऐसे रखा। अरे प्रभु मान जाओ। तो आज भगवान भी डरने लगे, क्योंकि भक्त से भगवान भी डरते। सबसे बड़ी बात है, कहते हैं कि देवता किसके अधीन हैं? ब्राह्मणों के, मंत्रों के अधीन हैं। और मंत्र किसके अधीन हैं? ब्राह्मणों के। तो आज वो कर्मा भाई आज डंडा लेकर के बैठ गई, आज थोड़ा सा क्रोध करने लगी। तो भगवान ने कहा कि अरे प्रभु मैया यशोदा तो प्रेम से मारती थी, पता नहीं कर्मा भाई की पिटाई कितनी तेज पड़ी। तो आज भगवान प्रत्यक्ष होकर के आज भोग पा रहे हैं। थाली भर के लाइन खींच लो ऊपर घी की बाट की, जीवो मारा श्याम धड़ी जिबा में छोरी जाट की, जिबा में छोरी जाट की, थाली भर के लाइन खींच लो ऊपर घी की बाट की, जीवो मारा श्याम धड़ी जिबा में बेटी जाट की, जीवो मारा श्याम धड़ी जिबा में बेटी जाट की, थाली भर के लाइन खींच लो। बाबा मारो गावे गयो है ना जाने कब आवे को, बाबा मारो गावे गयो है ना जाने कब आवे गो, बाबा मारो गावे गयो से ना जाने कब आवे गो, बाबा मारो गावे गयो है ना जाने कब आवे से, बाबा मारो गावे गयो है ना जाने कब आवे गो, बाकी भरोसे बैठो रे तो भूखो ही मर जावे गो, बाकी भरोसे बैठो रे तो भूखो ही रह जावे गो। आज जिमाऊ तने खींच रो, आज जिमाऊ तने खींच रो, कल घाटी राबड़ी जीवो मारो शाम धड़ी जिमा में देखी जात के, जीवो मारो शाम धड़ी जिमा में
बेटी जात की। थाली भर के लाई रे खिचड़ो, थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर की के बाट की। जीवो मारा श्याम धनी जीवा में बेटी जात की। जीवो मारा श्याम धनी जीवा में बेटी जात की। जीवो मारा श्याम धनी जीवा में बेटी जात। तो बड़े सुंदर भाव से कर्मा भाई ने भगवान को भोग लगाए तो भक्त के अधीन भगवान होते। आज बड़े सुंदर भाव से धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। इधर आज भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि सभी रानियों को क्रोध आ जाता है, लेकिन रुक्मणी जी को कभी क्रोध नहीं आया। क्यों ना आज रुक्मणी जी से कुछ ऐसी अटपटी बातें करूं, देखूं तो सही उनके चेहरे पर क्रोध कैसा प्रतीत होता है। तो आज भगवान थोड़े से गंभीर होकर के कक्ष में बैठे। रुक्मणी मैया आई, कहो क्या बात है, आज आप इतने उदास बैठे हो। लेकिन भगवान बातें नहीं कर रहे। अरे प्रभु कुछ तो बात हो। भगवान ने कहा कि एक बात हो तो बताओ, यहाँ तो अनेकों बातें हैं। अरे प्रभु बताओ तो सही क्या हुआ। देवी तुमने मुझ ग्वाले से विवाह क्यों किया। अरे प्रभु आप तो ग्वाले थोड़ी, आप तो द्वारकाधीश हो। प्रभु आपसे विवाह तो नहीं करते। देवी तुमने मुझ काले से विवाह क्यों किया। अरे प्रभु आप काले नहीं, आप तो जगत के उजियाले हो। देवी आप तो जगत पिता हो। प्रभु बार बार रुक्मणी मैया कहते जी विवाह तो नहीं करती, लेकिन मैंने सोचा आप जगत पिता हो। काहे का जगत पिता, कोई कहता मुझे देवकी नंदन, कोई मुझे यशोदा नंदन कहता है। आज अटपटी बातें करते हैं। कहा कि देवी तुमने मुझसे डरपोक से विवाह क्यों किया। अरे प्रभु मैंने तो आपको बहुत सासी जनर, काहे का साहसी, मैं तो जरासंध के डर से आज समुद्र में छिपा बैठा हूँ। बार बार जब कहा लेकिन कोई क्रोध नहीं आया। कहा कि देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इतने सुंदर सुंदर राजकुमार आए थे, तुमने मुझसे विवाह किया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम चाहो तो मैं आपका विवाह शिशुपाल से करा देता हूं। इतना कहा तो मैया को क्रोध नहीं आया। आज मैया मूर्छित होकर के गिर पड़ी। भगवान ने चतुर्भुजी रूप धारण किया, दो हाथों को सर के नीचे लगाया और दो हाथों से पंखा झल रही है। कहते हैं ये जो क्रोध है ये मनुष्य को बर्बाद कर देता है। एक बार एक पति अपनी पत्नी से विशेष प्रेम करता है और पत्नी पति से विशेष प्रेम करती है। आज पति देव ने कहा कि देवी मुझे कमाने के लिए परदेश जाना चाहिए। पंजाब के लोग कमाने के लिए कोई कनाडा जाता है, कोई अमेरिका जाता है। तो आज चलो पंजाब का ही समझ लो, तो बेचारा कनाडा चला गया पत्नी को छोड़ करके। पत्नी बड़ी सुंदर भाव से रहती, अब तो बाहर जाकर के परदेश जाकर के काफी धन कमाया, अब तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। कहा कि अब मैंने धन तो बहुत कमा लिया, क्यों ना अपने नगर की तरफ चलना चाहिए। अब जैसे ही नगर की तरफ आई, एक महात्मा गुजर करके जा रहे थे और महात्मा थोड़े से उदास थे। आज उस युवक ने पूछ लिया, अरे महात्मा जी क्या बात है आप उदास। बेटा ज्ञान की कोई कदर नहीं है इस नगर में। अरे महाराज क्या हुआ बताओ तो सही। बेटा मैं आपके इस नगर में ज्ञान के सूत्र बेचने के लिए आया, लेकिन कोई लेना नहीं चाहता है। अब तो सोचने लगा पैसा तो मेरे पास बहुत है, क्यों ना कुछ ले लेता हूँ। अगर मैं नहीं खरीदता हूँ तो मेरा भी अपमान होगा और मेरे नगर का भी अपमान होगा। ताकि महाराज आपके ज्ञान के सूत्र की कीमत क्या है। बेटा ज्यादा नहीं है, केवल और केवल 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। अब तो सौदा थोड़ा सा महंगा लगा, लेकिन आज खरीदना तो है। ताकि मेरे पास पैसा तो बहुत है लेकिन आज खरीदना है। तो आज 500 स्वर्ण मुद्राएं आज महात्मा जी को दे दी। ज्ञान का पहला सूत्र दिया, बेटा कोई कार्य करने से पहले 1000 बार सोच लेना।
ज्ञान के सूत्र को लेकर के प्रसन्नता से आज आ रहा है। आज मन में विचार है कि घर को, घर वालों को सरप्राइज दूंगा। तो हर किसी के मन में यही भाव होता है कि हर किसी को सरप्राइज, अगर मैं मुख्य द्वार से जाऊंगा तो घर वालों को पता लग जाएगा, क्यों ना आज पीछे के द्वार से जाना चाहिए। अब जैसे पीछे के द्वार से जाने लगा और पत्नी के कक्ष में जैसे ही पहुंचा, 20-25 वर्ष बाद जब आया था और आज देखा कि पत्नी के पास तो एक पर पुरुष शयन कर रहा है, क्रोध आ गया। इस पत्नी की मैं परदेश में इतनी चिंता करता था, लेकिन ये पर पुरुष के साथ शयन कर रही है, आज इसको छोड़ूंगा नहीं। तलवार निकाली, प्रहार करने लगा, गुरुजी का, महात्मा का, संत का वो याद आ गया कि कोई भी कार्य करने से पहले 1000 बार सोच ले। अब जैसी तलवार मयान के अंदर डाली, रखने लगा, एक गिलास रखा था सिरहाने, गिर पड़ा, नींद खुली। अरे पतिदेव आप आगे, आपने बताया नहीं। लेकिन पतिदेव तो क्रोध से लाल, कहा कि देवी मैं आपकी परदेश में इतनी चिंता करता था, लेकिन आप परपुरुष के साथ सहन कर रही हैं। तो आज उस पुरुष को जगाया, बेटा अयम ते पिता, ये तेरे पिता हैं। अब जैसी के चरण स्पर्श करो। अब जैसी चरण स्पर्श करने के लिए झुके तो सर पे जो पगड़ी बंधी हुई थी, आज वो पगड़ी खुल गई, बाल बिखर गए। प्रभु ये आपकी पुत्री है, जब आप मुझे छोड़ करके गए थे तब मैं गर्भवती थी और मैंने इस पुत्री को जन्म दिया। मैंने समाज के कल्याण के लिए, समाज को देखने के लिए, आपकी पुत्री को कोई कलंक ना लग जाए, इसी कारण मैंने इस पुत्री का जो लालन पालन है, एक पुत्र की भांति किया है। आपके बेटी के जीवन में कोई लांछन ना लग जाए, इसी कारण मैंने इसका जो पालन पोषण है, एक पुत्र की भांति किया है। अब तो वो सोचने लगा, वो तो महात्मा जी का ज्ञान का सूत्र बहुत ही सस्ता था। अगर मैं एक क्षण विचार नहीं करता, मेरी पत्नी भी मारी जाती, मेरी पुत्री भी मारी जाती और मेरा तो घर बर्बाद हो जाता। तो कहते कि क्रोध मनुष्य की अकल को खा जाता है, कभी क्रोध नहीं करता। आज मैया रुक्मणी को कभी क्रोध नहीं आया, आज जैसे ही उनकी मूर्छा खुली, प्रभु मेरे प्राण चाहिए तो प्राण ले लो, लेकिन ऐसी अटपटी बातें मत करो। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, हर रानी को क्रोध आ जाता, और सबसे ज्यादा क्रोध आता था सत्यभामा को। क्यों? क्योंकि सत्यभामा मणि लेकर के, दहेज लेकर के आई। कहते हैं कि जो बहू ज्यादा दहेज लेकर के आती है ना, उसके नखरे कुछ ज्यादा ही होते हैं। वो घर का काम नहीं करती, फिर सासू मैया को बहू बनना पड़ता है और बहू सास बन जाती है। अब तो बहू के जगने से पहले ही चाय का कप बहू के सिरहाने, बेटी चाय पी लो। ये आज का समाज ऐसा है। लेकिन कभी कभी सासू से भी गलती हो जाती है और बहू से भी गलती हो जाती है। एक बार एक बहू अपनी सासू मैया से इतना लड़ती झगड़ती, अब तो सासू मैया भी फिर डबल लड़ना झगड़ना आरंभ कर दिया। तो बहू पिताजी के घर गई, पिताजी मैं उस घर में रहना नहीं चाहती, या तो मुझे जहर दे दीजिए या मेरी सासू मैया के लिए जहर दे दीजिए। बेटी क्या हुआ? पिताजी मैं उस घर में रहते मेरी सास मुझे खाने को दौड़ती है, हर बात पर क्रोध करती है। पिताजी हमें उस घर में रहना नहीं चाहती। बार बार का पिताजी समझदार थे, क्योंकि जब से ये मोबाइल आया है ना, तब से घरों में ज्यादातर झगड़े इस मोबाइल का ही कारण है। बेटी बार बार अपनी मैया से बातें करती, मैया देखो मेरी सासू तो ऐसी कर रही है, मेरा ससुर ऐसे कर रहा है, क्योंकि ये झगड़े का कारण ही मोबाइल है। और कहते कि जिस घर में सासू की नहीं चलती हो, बहू की, माँ की ज्यादा चलती है, उस घर में झगड़ा कभी खत्म हो ही नहीं सकता। कभी भी बेटी के घरवार के अंदर माँ को कभी भी दखल नहीं देना चाहिए। आज बार बार कहती पिताजी या तो मुझे जहर दे दो या मेरी सासू मैया के लिए जहर दे दो।
हम तो पिताजी थोड़े समझदार थे, देसी डॉक्टर थे। कहा कि बेटी कोई बात नहीं, अगर मैं जहर दूंगा और जहर देकर के तेरी सासू मर गई, पोस्टमार्टम हुआ तो पता लग जाएगा कि जहर दिया है, उससे तू भी पकड़ी जाएगी और मैं भी पकड़ा जाऊंगा। ऐसा कर मेरी एक बात मानेगी, पिताजी जो कहोगे सो मान लूंगी। बेटी केवल आपने 3 महीने अपनी सासू की सेवा करनी है, उसके जागने से पहले उसके सिराने चाय का कप हो, क्योंकि मॉडर्न जमाना है ना, आजकल हर किसी को बेड टी चाहिए। बेड टी का मतलब क्या होता है? बेड माने बुरा, बुरी चाय। तो बेड टी पीना कोई अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले प्रातः काल आप जागो, सबसे पहले अपने हाथों को देखो, क्योंकि हाथों के यदि करा क्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तो स्थित हो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। कहते कि हमेशा हाथों के अग्र भाग में लक्ष्मी जी का वास है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, मध्य भाग में सरस्वती जी का वास है, मूल भाग में भगवान गोविंद विराजमान है। इनको देखने से आपका जो प्रातः काल है वो सुंदर हो जाता है, आपका दिन हमेशा सुंदर कटेगा। लेकिन आजकल तो कप दर्शन होता है। आज बड़े सुंदर भाव से पिताजी ने कहा कि बेटी नहाने से पहले ही गर्म पानी बाथरूम में आ जाए, संध्या काल में सासू के चरण दबाना, गरम गरम प्रसादी अपनी सासू मैया को खिलाना। बेटी ज्यादा दिन की बात, जो इतने दिन से झेल रही हो तो केवल 3 महीने की तो बात है। ताकि पिताजी ठीक है, मैं ऐसा जहर दूंगा जिससे धीरे धीरे तेरी सासू की नस नस में वो फैल जाएगा और किसी को पता भी नहीं लगेगा, तेरी सासू मर जाएगी। हाँ पिताजी ये बात सही है। अब तो वो जहर लेकर के पुड़िया लेकर के आ गई। बेटी रोजाना थोड़ी सी एक चुटकी अपनी सासू मैया की सब्जी में डाल दिया कर। अब तो रोजाना चाय का कप पहले पहुंच जाए, नहाने के लिए पानी पहुंच जाए, शाम को चरण दबाए। अब तो सासू मैया में बदलाव आ गया, अब तो मेरी बहू समझदार हो गई है, मेरी कितनी सेवा करती। अब तो ऐसा समय बन गया, अब तो ना तो सासू बहू के बिना रहे, ना बहू सासू के बिना रहे। इतना प्रेम हो गया, अब तो सासू बहू को बेटी की तरह। बेटी देखो अब त्योहार आ रहा है, तुझे क्या चाहिए? बार बार हर तरह ख्याल रखे। अब तो जब धीरे धीरे 2.5 महीने से ऊपर जाने लगे, केवल 5-7 दिन जब रह गए, तो दौड़ी दौड़ी पिताजी के पास गई। पिताजी मैं अपनी सासू मैया को मरते हुए नहीं देखना चाहती हूँ, तो मेरी सासू मैया मुझसे इतना प्रेम करती है जैसे कि कोई माँ अपनी बेटी से करती है। नहीं नहीं बेटी, अब तो तेरी सासू मरेगी। पिताजी मेरी सासू के मरने से पहले आप मुझे जहर दे करके मार डालो, लेकिन मैं अपनी सासू मैया को मरते हुए नहीं देख सकती। सिर्फ बात ज्यादा ही बढ़ गई कि अब तो मैं सासू मैया के बिना एक क्षण नहीं रह सकती। तो आज पिताजी ने कहा कि बेटी मैंने तुझे कोई जहर नहीं दिया था, मैंने तो तुझे केवल हाजमे का चूर्ण दिया था। कहते कि अगर बातों से काम बन जाए तो झगड़े की तो आवश्यकता पड़ेगी। तो मैयाओं कभी भी ये मत सोचो कि घर के अंदर हम बहू लेकर के आए। कहते एक बेटी को हम विदा करते हैं तो दूसरी बेटी हम घर के अंदर लेकर के आते हैं। जिस दिन मन से ये भाव निकल गया उस घर में कभी झगड़ा होगा। और कहते कि जिस घर में नित्य प्रति झगड़ा होता उस घर में कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करती है। आप देख लीजिए, आप अपने किसी रिश्तेदार के घर जाओगे और रिश्तेदार आपको देख करके झगड़ना प्रारंभ कर दे कि आपका दिल वहां लगेगा, आप कहोगे नहीं भैया हम फिर कभी आएंगे। तो ऐसे ही जिस घर में हमेशा झगड़ा होता हो लक्ष्मी वहां कभी प्रवेश नहीं करती है। अगर लक्ष्मी चाहते हो, एक बात और कहूंगा, मैं देखता हूं पंजाब के अंदर क्या होता है। पंजाब के अंदर देखा है मैंने कि बर्तन वाली अलग है, झाड़ू पोछे वाली अलग है,
और भोजन बनाने वाली अलग है, लेकिन रात को भोजन करके सारे झूठे बर्तन रसोई के अंदर पड़े रहते हैं। इसमें काम वाली आएगी, अपने आप साफ कर लेगा। कहते कि जिस रसोई में झूठे बर्तन होते हैं उस घर में हमेशा दरिद्रा का वास होता है और रोग बीमारी अपने आप स्वतः ही प्रारंभ हो जाती है। तो कभी भी घर के अंदर झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। पहले पांच प्रकार के यज्ञ होते थे। पहले मैयाएं जब चूल्हा जलाती थी तो सबसे पहली रोटी ही गाय के लिए निकालती थी। चींटियों के लिए आटा डाला जाता था, लेकिन आजकल सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आप जीवन में एक निश्चय कर लीजिए, केवल और केवल एक गुल्लक बना लीजिए और गोलक में केवल और केवल 5 रुपए प्रतिदिन, 5 रुपए प्रतिदिन आप निकालिए, एक मंदिर के लिए, एक शमशान के लिए, एक गौशाला के लिए, एक धार्मिक आयोजन के लिए और एक गरीब लोगों के लिए। केवल 5 रुपए आप निकालिए और उसको, 5 रुपए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। उस धन को आप जहां जैसा सहयोग हो उसको उसमें सहयोग करिए। तो जीवन में कभी आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम वैसे तो पैसा बर्बाद कर देते हैं जितना मर्जी, लेकिन अगर कहीं धर्म कर्म की बात आती है ना तो 1000 बार सोचते हैं, अरे हम उस गोविंद को क्या दे सकते हैं, जो स्वयं देने वाले हैं हम उनको क्या दे सकते हैं, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है। जैसे कि वो हमें देता है और हमें देने वाला परम पिता परमात्मा है, तो हम उसकी सब संतानें हैं, ये हमारा भी धर्म कर्म बनता है। क्योंकि परमात्मा वैसे तो नहीं आता है, किसी ना किसी को माध्यम करके, और माध्यम कौन है, सबसे बड़े माध्यम तो आपके अपने माता पिता हैं। भगवान माता पिता के रूप में घर में विराजमान होते हैं, तो जितनी हो सके अपने माता पिता की सेवा करो। क्योंकि कहते कि अगर माता पिता के मुख से आशीर्वाद निकल गया तो भगवान से भी टाला नहीं जाता है। लेकिन आजकल धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं खराब होती जा रही हैं। कहते कि आजकल के बच्चे मॉडर्न हैं, मॉडर्न हमने बना दिए क्योंकि हम बच्चों को सुंदर संस्कार नहीं दे पाते। आज धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। भैया रुक्मणी को कभी क्रोध नहीं आया क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है। आज भगवान नाना प्रकार से अपने सभासदों को पूछते हैं। मैया रुक्मणी सभी सभासदों को पूछती है कि आपको कोई कष्ट तो नहीं? सभी सभासद मैया से कहते, मैया आपके राज्य में कभी कोई कष्ट हो नहीं सकता। आज जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो आज भगवान ने, वसुदेव जी ने आज सूर्य ग्रहण के अवसर पर एक यज्ञ किया है। सभी देवताओं, सभी राजकुमारों को, सभी यदुवंशी ब्रजवासी सभी को निमंत्रण दिया गया। और आज उस यज्ञ में सभी आए हैं, सबके अपने अपने शिविर लगे हुए हैं। और जब सबके अपने अपने शिविर लगे हुए हैं तो आज मैया यशोदा चारों तरफ तो देख रही है कि मेरे लाला को शिविर कर, हर शिविर में झांक झांक करके देखती है और आवाज लगाती है, अरे ओ कन्हुआ, हर शिविर में आवाज लगा रही है, अरे ओ कन्हैया, अरे ओ कन्हुआ, अरे ओ लाला। और जैसी आवाज लगाती आवाज मेरे गोविंद के कानों में पड़ी और आज भगवान ने सुना, ये तो मेरी मैया यशोदा की आवाज है। आज भगवान दौड़ पड़े हैं मैया से मिलने के लिए और जैसी मैया यशोदा को देखा आज चरणों में गिर पड़े, मैया मैं आपका अपराधी हूं,
आज मैया ने अपने नेत्रों के अश्रुओं से आज लाला के सर को भिगो दिया। और आज मैया यशोदा कहती है, कन्हैया भैया तुमने तो एक बार मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा। भैया मैं थोड़ा सा राज काज में व्यस्त हो गया था, लेकिन मेरी मैया भी मुझे भूल गई। अगर मैया मैं नहीं आ सकता था तो कम से कम आप तो आ सकती थी। लेकिन मैया कहती है, यशोदा कहती है कि मेरो लाला सुख से रहे, मेरे लाला के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आए। मेरे लाला इतना व्यस्त है गए हो तो अपने लाला के जीवन में कैसे बाधा बन सकती है। कहते कि एक माँ ही ऐसी होती है, क्योंकि बेटा जब काम पर चला जाता है और काम से जब लौट करके आता है, पिता पूछता है कि क्या कमाया, लेकिन माँ पूछती है बेटा कुछ खाया। क्योंकि माँ जैसी ममता इस संसार सागर में दूसरी नहीं हो सकती। आज एक और बड़ा सुंदर भाव, कहते कि जिनके सर के ऊपर माँ बाप का हाथ होता है ना, उनके तो सब कुछ कृपा बरसती है। एक बार एक माँ को पुत्र का अवतरण हुआ है। माँ ने पुत्र को जन्म दिया और जन्म देते ही पिता की मृत्यु हो गई। अब तो माँ लोगों के घरों में काम काज करती, घरों से थोड़ा बहुत तो भोजन प्रसादी मिल जाती तो खा लेती, नहीं मिलता तो बस ऐसे ही प्रभु की कृपा। तो एक बार मैया को केवल दो रोटी मिली, आज दोनों रोटी परोस करके बेटे को दे दी, खाली डब्बा रख दिया। बेटा भी समझ गया कि माँ ने तो खाली डब्बा रख दिया है। बेटे ने केवल आधी सी रोटी खाई और कहा कि माँ मेरा पेट भर गया। धीरे धीरे ऐसा क्रम जब चलता रहा, बेटा बड़ा हो गया, अच्छा पढ़ लिख करके विवाह हो गया, पत्नी घर में आ गई। आज 2 महीने ही हुए थे, आज पत्नी बार बार माँ पर इल्जाम लगा रही है कि आपकी माँ ने मेरी सोने की अंगूठी को ले लिया है। आज वो पुत्र बार बार कहता कि अपनी हद में रहो, अपनी हद में रहो, लेकिन बार बार वो कहती नहीं नहीं आपकी माँ ने मेरी सोने की अंगूठी को ले लिया। आज उस पुत्र से रहा नहीं गया, राज एक थप्पड़ अपनी पत्नी में लगा दिया। और जब थप्पड़ लगा दिया, कहा कि आप अपनी माँ के प्रति मुझे मारते हो, मैंने सारा जीवन आपके साथ व्यतीत करना है, मैं अपने पिता के घर को छोड़कर क्या इसी कारण आई थी क्या। आज उस पुत्र ने समझाते हुए कहा, माँ सारा दृश्य देख रही है, दरवाजे के पीछे खड़ी खड़ी, कहा कि मैं अपनी माँ को जन्म से जानता हूँ, जो अपना सारा भोजन मुझे दे सकती है क्या, आज वो बुढ़ापे में किसी अंगूठी की हकदार हो सकती है क्या, जिसने सारा जीवन लोगों के घरों में काम करके गुजार दिया मुझे पालने पोसने में, तो आज माँ सोच रही है मेरा बेटा ये अपना फर्ज निभा रहा है या आधी रोटी का वो कर्ज चुका रहा है। कहते कि माँ के लिए तो पुत्र पुत्र होता है, बेटा चाहे जितनी मर्जी गलती कर दे, कहते कि पुत्र को पुत्र हो जायते माता को माता न भवति। पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। आज पुत्र को, आज श्याम सुंदर को अंक में भर दिया है। और आज कहा कि लाला कन्हैया तूने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो आज भगवान श्याम सुंदर कहती मैया अगर मैं आपसे झूठ नहीं बोलता, मैं आपसे ये नहीं कहता कि मैया मैं परसों आ जाऊंगा, तो आप उसी समय अपने प्राण त्याग देते। कम से कम आप मेरी प्रतीक्षा में जीवित तो रही कि मेरो लाला आवेगो। आज भगवान ने अपने पौत्रों का दर्शन कराया, पौत्र वधुओं का दर्शन कराया है। आज मैया ने सबको आशीर्वाद दे दिया। और आज भगवान ने पूछा इस यज्ञ में कौन कौन आए हैं, कि सभी ब्रजवासी आए हैं, श्री राधा रानी सभी गोपी आई हैं। तो आज भगवान की जो अष्टपट रानियां हैं
भगवान से कहती कि प्रभु हम भी दर्शन करना चाहती हैं। आप बड़ी उनकी सराहना करते हो, कहती कि ब्रज की गोपी इतनी सुंदर है, आज हम देखना चाहती हैं। तो आज भगवान ने कहा कि देवी वो सब ठीक है, लेकिन गुरु के घर मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। तो आज गरम गरम दूध लेकर के जब गई है, सबके अपने अपने शिविर लगे हुए हैं। आज पहली जोड़ी जब पार करी है तो आज पहली जोड़ी पर विशाखा खड़ी है। श्री राधे रानी प्रणाम करती हैं। विशाखा ने कहा मैं राधा रानी नहीं, राधा रानी तो अंदर विराजमान है, देखती रहेगी। जब राधा रानी, जब सखी इतनी सुंदर है, पता नहीं राधा रानी कितनी सुंदर होंगी। दूसरी जोड़ी पार करी, हे श्री राधा रानी प्रणाम करती हैं, ताकि मैं राधा रानी नहीं, मैं तो उनकी सखी ललिता। अब तो जो अभिमान था वो चूर चूर होने लगा। तीसरी जोड़ी पार करी, हे श्री राधा रानी प्रणाम करती हैं, ताकि मैं राधा रानी नहीं, मैं तो चंचला। धीरे धीरे जब सात जोड़ी पार करी, श्री राधा रानी विराजमान है, हजारों सखियां साथ में बैठी हुई, और श्री राधा रानी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। आज जाकर के चरणों में प्रणाम किया, हे श्री राधे रानी जैसा देखा जैसा सुना उससे कुछ अधिक पाया, हे श्री राधे रानी वास्तव में भगवान श्याम सुंदर आपके प्रति इतने दीवाने हैं, आप भगवान श्याम सुंदर से इतना प्रेम करती हो, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। हे श्री राधे हमारे ऊपर भी कृपा दृष्टि बनाओ, जिससे हमारा भी ये जीवन पवित्र हो जाए, हमारा ये डोर है आपके श्री चरणों में लग जाए, हमारा तन मन सब पवित्र हो जाए, हमारे ऊपर ऐसी कृपा बरसाओ। भगवान श्याम सुंदर केवल आपसे प्रेम करते, हमसे प्रेम नहीं करते। हे श्री राधे रानी हम पर ऐसी अपनी कृपा की दृष्टि डालो, जिससे हमारा ये जीवन धन्य हो जाए। आज बड़ा सुंदर भाव है, मेरे जीवन के जोड़े गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन के जोड़े गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जोड़े गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। महारानी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, महारानी तेरे चरणन में। मेरे जीवन के जोड़े गई तो किशोरी तेरे चरणन में, मेरे जीवन की जोड़े गई तो किशोरी तेरे चरणन में। चरणन में महारानी तेरे चरणन में, मेरे
मन की जोड़े गई दो किशोरी तेरे चरणन में मेरे मन की जोड़े गई दो किशोरी तेरे चरणन में तेरी ऊँची अटारी प्यारी में भारी तेरी गलियन में तेरी ऊँची अटारी प्यारी में भारी तेरी गलियन में तेरी ऊँची अटारी प्यारी में भारी तेरी गलियन में तेरी ऊँची अटारी प्यारी में भारी तेरी गलियन में जीवन की हो मेरे जीवन की हो जाए वो किशोरी तेरे चरणन में मेरे जीवन की जुड़ गई दो किशोरी तेरे चरणन में किशोरी तेरे चरणन में महारानी तेरे चरणन में किशोरी तेरे चरणन में महारानी तेरे चरणन में मेरे जीवन के जोड़ गई दो किशोरी तेरे चरणन में मेरे जीवन के जोड़ गई दो किशोरी तेरे चरणन में मेरे जीवन के जोड़ गई दो किशोरी तेरे चरणन में मेरे जीवन के जोड़ गई दो किशोरी तेरे चरणन में मेरे जीवन के जोड़ गई दो किशोरी आज बड़े सुंदर भाव से सभी रानियों ने अष्टपट रानियों ने श्री राधा रानी से वार्तालाप करी है। आज श्री राधा रानी ने पूछा कि भगवान श्याम सुंदर हमसे प्रीति तो करते हैं। सभी रानियां कहती बहुत सुंदर प्रीति करती हैं, ताकि मेरे लिए कुछ भेजा है, ताकि ये दूध भेजा है, तो गरम गरम दूध श्री राधा रानी जल्दी जल्दी में पान कर गई। और आज दर्शन करके जैसे सभी अष्टपट रानियां आज महल में पहुंची हैं, तो देखा कि भगवान श्याम सुंदर के चरणों में छाले पड़े थे। आज सत्य भामा जाम्बवती कहती प्रभो कहीं गए थे क्या, ताकि देवी में तो कहीं नहीं गया, फिर आपके पैरों में छाले, ताकि जो आप गर्म गर्म दूध लेकर के गई थी, श्री राधा रानी ने पान किया और वो दूध मेरे चरणों पर गिरा। कि चरणों पर दूध पिया श्री राधा रानी ने और आपके चरणों पर कैसे गिर पड़ा, ताकि श्री राधा रानी के हृदय कमल में मेरे चरण कमल का वास है, इसी कारण वो दूध गरम गरम मेरे चरणों पर पड़ा, जिस कारण मेरे चरणों में छाले पड़ गए। सभी कहते हैं राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, दो देह जरूर हैं लेकिन प्राण एक है। श्री राधा रानी का वर्णन केवल और केवल श्रीमद् भागवत में एक बार आया है, बाकी श्री राधा रानी का वर्णन कहीं नहीं आया। बड़ा सुंदर भाव श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ग्रहण करा रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर भगवान के एक बचपन के मित्र हैं, नाम है सुदामा। मित्रता हुई थी, सांदीपन मुनि के यहाँ पढ़ने के लिए गए थे। रास्ते में जब जा रहे थे जंगल से निकल करके हरे 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 राम हरे
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna Krishna